तो फिर मैंने क्या किया कि कालिदास, तो पहले देखा कि कहाँ पर ये ऑफिशियल या कोर्सेस होते हैं, ट्रेनिंग कहाँ मिल सकती है। तो पता चला कि कालिदास संस्कृत यूनिवर्सिटी में, वैसे तीन चार यूनिवर्सिटी में यहाँ पर है, लेकिन मुझे, मेरे लिए पास में कालिदास संस्कृत यूनिवर्सिटी थी। हिंदू बनारस यूनिवर्सिटी में भी है, फिर उसके बाद में लाल बहादुर शास्त्री यूनिवर्सिटी दिल्ली में भी है, वास्तु के कोर्सेस हैं, ठीक है, कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेस हैं, कुछ डिप्लोमा कोर्सेस हैं, कुछ डिग्री कोर्सेस हैं। तो ये जब ढूंढता गया मैं, तो ढूंढने से मुझे ये पता चला कि कालिदास संस्कृत यूनिवर्सिटी में ये सर्टिफिकेशन, वास्तु का डिप्लोमा सर्टिफिकेट है, और एस्ट्रोलॉजी का बीए एस्ट्रोलॉजी है, और एमए एस्ट्रोलॉजी है, फिर रिसर्च वगैरह होता है। तो उसका प्रोसेस जो है, वो डिप्लोमा के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, 12th पास होना चाहिए। तो मेरे पास था ही, और वास्तु का डिप्लोमा ही था, मतलब चलो डिप्लोमा तो सही हम कर लेते हैं। तो 2006 में मैंने एडमिशन लिया, 2007 में पास आउट हुआ। 2007 में पास आउट होने के बाद 2007 से लेके अभी तक, आज तक मीन्स अभी 7 से लेके आज तक 16 साल हो गए। तो इस 16 साल में कालिदास संस्कृत यूनिवर्सिटी का अफिलिएशन मेरे पास है। तो हम लोग यूनिवर्सिटी के लिए स्टूडेंट्स को एडमिशन दिलवा देते हैं, उन एडमिशन डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में होता है। हम सिर्फ मेडिएटर है, हम लोगों को, हम उनको ट्रेनिंग देते हैं एज पर यूनिवर्सिटी सिलेबस। तो ये मेरा पुणे में है, नासिक में है, मुंबई में चलता था, एक साल तो मैंने त्रिचूर में भी लिया था, केरला में। तो अभी तो नहीं पुणे में चल रहा है। तो पुणे में आपको एग्जाम के लिए, लेकिन ये सेंटर ऐसा है कि एग्जाम आपको देना पड़ेगा, तो एग्जाम के लिए आपको पुणे आना पड़ेगा। चालेल ना, उलट चांगलं राहील, नवरदेवाची तयारी मी करून देत जाईल। आप है ना, जब सर भी म्यूट अपने घर म्यूट में, करने घर पे को। बात करते हैं ना, तब याद रखना अपना फोन जो जूम जो है उसमें ऑडियो सर म्यूट आपके हो। प्रोग्राम्स हुए थे ना, उसका आप बोल रहे थे सभी पार्टिसिपेंट्स को आप भेज हाँ, देंगे, वो वाला वो है। वो भेज देंगे ना अभी। हाँ अभी एक बार सबका आने दो, आने के बाद सबके ईमेल्स वगैरह आने दो, दे देंगे वो, उसको सर्टिफिकेट दे देंगे, ठीक है। वो भी ऐसे भी सर्टिफिकेट आपको काम में आते हैं, हाँ एक एक सर, दो दो दिन के जो कॉन्फ्रेंसेस है अलग अलग जगह पे, नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस जो यूनिवर्सिटीज अनाउंस करती है, वो कॉन्फ्रेंसेस में भी आपको पब्लिश करना है, आगे से बातें भी करनी है। अभी ये सब, ये लोग जो अपने 25-30 लोग हैं, इन सब लोगों को बस यही तैयारी करनी है कि जहाँ पर भी, जो जब भी कॉन्फ्रेंस का मौका मिलता है तो अटेंड करना है, अटेंड करके प्रेजेंट भी करना है। और प्रेजेंटेशन के लिए आपको पूरा गाइडेंस मिलेगा कि क्या सब्जेक्ट लेना चाहिए, क्या थीम है, और उसके ऊपर फिर कितना देर कैसे प्रेजेंटेशन करना चाहिए, स्लाइड्स वगैरह से गाइडलाइन मिलेगी आपको। तो ये इस सभी प्रकार से जो है आपको तैयारी रखनी ही है और करना ही है। वैसे धीरे 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 क्या हो जाता है, फिर कॉन्फिडेंस हो जाता है, फिर आप कहीं पर भी आप बात कर सकते हैं। अभी आज से हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले कि एक बेसिक फाउंडेशन कोर्स होगा, ये फाउंडेशन है सभी का, सभी एक लेवल पे आ जाएंगे, ठीक है, फंडामेंटल इसमें आ जाएंगे। उसके बाद में हम जब साइट पे जाएंगे तो क्या क्या, कैसे कैसे विजिट करनी है, क्या डेटा कलेक्शन करना है, क्योंकि सब लोग एक साथ एक जैसा डेटा दोगे तो सभी को पता चलेगा कि हाँ ये इस प्रकार से हम लोगों को अभी इन्होंने मेजर किया है। फिर उसके बाद में ये करते करते हम लोगों को साथ में दूसरा, इसके बाद का नेक्स्ट वीक का प्रोग्राम जो है, हम सभी लोगों का एक वास्तु के ऊपर खुद क्या जानते हैं, क्या समझते हैं, ऐसा एक इंट्रो टॉक रहेगा, एक वीडियो प्रोफाइल रहेगा आपका, एज ए वास्तु कंसल्टेंट आप क्या लोगों को ऑफर कर रहे हैं। तो ये वीडियो प्रोफाइल, जब ये 30 लोगों का वीडियो प्रोफाइल बनेगा तो धीरे धीरे आपको और कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और आपका वीडियो प्रोफाइल आपके मोबाइल में रहेगा, रिकॉर्डेड रहेगा, वो आप जब आपके ग्रुप में शेयर करोगे तो वहां से फिर इंक्वायरी आ जाएगी, अरे आप ये करते मुझे पता ही नहीं, हम भी सोच रहे थे कि एक बार वास्तु, किसी वास्तु कंसल्टेंट को वास्तु दिखवाना है। तो इस प्रकार से आप जो है धीरे धीरे काम में शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो वो सर्टिफिकेट तो मैं दे दूंगा जब भी, अभी ग्रुप में जब भी साल भर और आगे भी, जब जब कुछ वास्तु के बारे में कॉन्फ्रेंसेस रहेंगे, कुछ प्रोग्राम्स रहेगा, ऐसा मुझे लगेगा कि आपको पता होना चाहिए, तो हम वो शेयर करेंगे। आपको भी इधर उधर से भी हाँ कुछ पता चला तो वो भी शेयर करते जाओ, तो सब लोग वहाँ पर अटेंड करेंगे, प्रेजेंट करेंगे, और हमारा जो नॉलेज, जो विद्या हमने लिया है, वो विद्या लोगों में बांट देंगे, ठीक है। और सर, ये ज्ञान जो है वो बांटने से बढ़ता है, बांटने से कंफर्म हो जाता है, कॉन्फिडेंस आता है, उस प्रकार से वो करते रहेंगे। और दूसरा, अगर आपको डिप्लोमा करना है
कुछ किसी को अगर पोस्ट ग्रेजुएट है उसको उनको पीएचडी एमफिल करना है तो उसके लिए भी गाइडेंस है, उसके लिए भी है। अभी देखो 10 तारीख को, अभी मैं बता देता हूँ, 10 तारीख को दोपहर में 11 बजे से लेके 1:30 बजे तक पीएचडी में जो जो लोग एमफिल और पीएचडी जो लोग कर रहे हैं उनका प्रेजेंटेशन आपको सुनने मिलेगा, ठीक है। तो हमारे अंडर में 5 लोग है पुणे सेंटर के अंदर, तो 5 लोगों का प्रेजेंटेशन है, आप सभी लोग वहां पर ज्वाइन हो सकते हैं, मैं लिंक भेज दूंगा। 10 तारीख को सवेरे 11 बजे, 10 तारीख, ठीक है। अपना जो कोर्स, अपना जो क्लास है वो तो 4 बजे से 6 बजे चलता रहेगा। तो इस प्रकार से अभी सब वो भी ऑनलाइन ही है क्या उनका भी? हाँ, प्रेजेंटेशन भी ऑनलाइन है, इस साल ऑनलाइन ही है। संजान नहीं जा रहे? हाँ, संजान भी नहीं जा रहे और मुंबई में भी नहीं जा रहे, ठीक है। अच्छा, तो शुरू कर देते हैं हम लोग हमारा प्रोग्राम। तो इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, प्रार्थना।